दोस्तों 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 मार्च से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तत्पश्चात 16 अप्रैल से 3 मई तक इसे बढ़ाया गया, यानी लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसे 2 सप्ताह और आगे बढ़ाया गया है, अर्थात लॉकडाउन 3 अब 17 मई तक रहेगा। राज्यों के प्रत्येक जिले को 3 जोन्स में बांटा गया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। दोस्तों हालांकि कई क्षेत्रों में कंडीशनल छूट दी गई है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसे हल्के में लें, क्योंकि जिस प्रकार संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, उसे देखते हुए हमें अब और सावधानी बरतनी होगी। और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले समय में यह सावधानियां हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल में एक चेंज आएगा, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम जैसी चीज़ें सुनने में आएंगी। हमें अब इस कल्चर को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा और तैयार रखना होगा अपने तन और मन को। जी हाँ, इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाना होगा। इन सब चीज़ों के फायदे तो बहुत होंगे। मैं अगर इसे पॉजिटिवली देखूं तो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट में बहुत कमी आ जाएगी, सेफ्टी हो जाएगी, साथ ही साथ समय की बहुत बचत होगी जो हम ट्रैवलिंग में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह में व्यतीत करते हैं, ट्रैफिक जैम्स में फंस जाते हैं, एक हैसल फ्री लाइफ जीने में बहुत सहयोग मिलेगा। साथ ही लोगों को यकीन भी हो जाएगा कि हम हॉस्पिटल में OPDs बंद होने के बावजूद भी हेल्दी रह सकते हैं। तो साथियों आइए पहले की तरह इस लॉकडाउन 3 को भी सफल बनाकर देश को कोरोना मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत।